अस्सलाम वालेकुम। आज का वीलॉग स्पेसिफिकली उन पेरेंट्स के लिए है कि जो अपने बच्चों के बिहेवियर से बहुत आजिज हैं। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ 5 बिहेवियर मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज जो कि पेरेंट्स अपने लिए अपने साथ अपने बच्चों के साथ यूज कर सकते हैं और मैं आपको ये बता सकती हूँ कि वो 100% सक्सेस होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको 5 सिंपल स्ट्रैटेजीज को फॉलो करना है जो कि 100% रिजल्ट गारंटीड है। इसके लिए जो स्ट्रैटेजीज मैं बताऊंगी, जरूरी नहीं कि वो तमाम स्ट्रैटेजीज वो आज 1 9 day वंडर होगा कि आज आप करना शुरू करेंगे और आज ही उसका रिजल्ट मिलेगा, नहीं, बल्कि उसके लिए आपको चाहिए पेशेंस और उसके लिए आपको होना पड़ेगा कंसिस्टेंट। The more you'll be patient and consistent, the effective would be, the result would be. So, सबसे पहली strategy है praise. अपने बच्चों की तारीफ कीजिए, उनको छोटी छोटी चीजों में उनकी तारीफ कीजिए। इससे उनके अंदर एक सेल्फ ऑफ एम्पावरमेंट आती है। एक सेल्फ ऑफ एम्पावरमेंट, इससे मतलब ये कि दे फील देमसेल्फ इंक्लूडेड। उन्हें पता चलता है कि हाँ, हम भी कुछ अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि यूजुअली ये होता है कि जो बच्चे बैड बिहेवियर डिस्प्ले करते हैं उनको, क्योंकि पेरेंट्स से या बड़ों से डांट और क्लास में भी जो है फीलिंग ऑफ यू नो नॉट इंक्लूडेड रहती है, तो उनको ये रहता है कि हम कुछ अच्छा कर ही नहीं सकते, हम प्रेज कर ही नहीं सकते। तो उनकी छोटी छोटी बातों पे प्रेज कीजिए, उनको उनकी तारीफ कीजिए। इसलिए कि जब आप ऐसा करेंगे आप उनके अंदर एक नोटिसेबल चेंजेस देखेंगे। और ये किस तरह से करना है, ये आपकी ड्यूटी है कि इसको अपने हिसाब से कस्टमाइज कीजिए, अपने बच्चे के हिसाब से कस्टमाइज कीजिए कि उसे कितना इंग्रेडिएंट ऑफ प्रेज चाहिए। नंबर 2 स्ट्रैटेजी जो मैं समझती हूँ मेरे हिसाब से सक्सेस स्ट्रैटेजी है एज अ लर्निंग सपोर्ट ऑफिसर, वो है जब भी अपने बच्चों से कोई बात मनवानी है तो उनको चॉइसेस दीजिए। अपनी आदत बना लीजिए कि कैसी चॉइस आपको देनी है बच्चा को। बच्चे से अगर कुछ करवाना है तो आप कहिए कि या तो ये करना है या ये करना है। और ये पेरेंट का काम है, स्मार्ट पेरेंट्स का काम है कि वो कितना इंटेलिजेंटली उसकी चॉइसेस को नैरोड करेंगे। ठीक है, तो आप ये कीजिए, बच्चा बहुत डिलिबरेटली अपनी क्योंकि जब वो ये करेगा तो उसे ये होगा कि यस दिस इज माय सेल्फ डिसीजन। और बच्चे आजकल आपको पता है कि वो आदि होते हैं कि नहीं, छोटे छोटे बच्चों की ये होती है कि वो मनमानी करें। ऐसा करने से, चॉइसेस देने से आपको उनके अंदर ये फीलिंग आएगी कि ओके वो अपना ही डिसीजन ले रहे हैं, लेकिन अगर आप इसका एक्सरे और इसका पोस्टमार्टम करें तो डेफिनेटली वो डिसीजन आपका होगा जो आप उससे वो बात मनवाना चाह रहे हैं। नंबर 3 सक्सेस स्ट्रैटेजी है गिविंग इमीडिएट रिवॉर्ड। बच्चों की छोटी छोटी अचीवमेंट्स पे उनको रिवॉर्ड कीजिए। उनको जरूरी नहीं, रिवॉर्ड का मतलब ये है कि बहुत प्राइसी या बहुत कॉस्टली कोई गिफ्ट होगा। इट कुड बी एनीथिंग, इट कुड बी अ हग फॉर नो मनी, और इट कुड बी सिंगल कैंडी और चॉकलेट और वट एवर देयर बेस्ट चॉइसेस वुड बी। तो आप उनको इमीडिएट रिवॉर्ड दीजिए, क्योंकि ऐसा नहीं कि मैं परसों दूंगी या मैं उसके 10 दिन बाद दूंगी, नहीं, क्योंकि जब आप उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो आप उनको रिवॉर्ड भी कीजिए। क्योंकि जब ऐसा करेंगे बच्चा बहुत अपने आप को ऐसा होगा, ओ आई एम द सुपर हीरो, आई डिड समथिंग गुड। और बच्चे को फौरन जब रिवॉर्ड किया, बच्चे को फौरन उसका प्राइस भी पे किया उसके अच्छे बिहेवियर पर, तो आप देखिएगा कि उसमें बहुत पॉजिटिव चेंज होगा। नंबर 4 गिविंग स्ट्रैटेजी है मेरे पास यूजिंग द क्यू कार्ड्स। तो क्यू कार्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है अपने घर में, जो कि पेरेंट्स जो कि बिहेवियर मैनेजमेंट जिनका एक कोर इश्यू होता है, रोज उनके बच्चों के साथ बिहेवियर इश्यूज हैं, तो आप अपने घर में जगह जगह क्यू कार्ड्स लगाइए, प्रॉम्प्ट्स कार्ड्स लगाइए और उसको अपने हिसाब से कस्टमाइज कीजिए। अब इसके लिए ये मेरा मतलब नहीं है कि आप एक बोर्ड ले लीजिए, कुछ भी, आप स्टिकी नोट्स घर में या पेपर, सिंपल पीस ऑफ पेपर पे, लेकिन बोर्ड में बड़ा बड़ा लिखकर इंस्ट्रक्शंस लिखें। और कुड बी एनीथिंग लाइक डोंट शाउट, बस ये लिखकर आपने स्टिक कर दिया। कभी आपने कहा कि कीप काम, स्टे काम, इस तरीके से आप जगह जगह छोटी छोटी सिंपल बट वेरी डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस लिखकर ऐसी जगहों पे उनको स्टिक करिए कि जो बच्चा हर वक्त देख सके। बच्चा देखेगा तो उसको हर वक्त एक इंस्ट्रक्शन मिलती रहेगी। अलग ही देखिए कितनी एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी है कि पेरेंट्स बच्चे के पीछे भी नहीं पड़े, लेकिन उन्होंने जगह जगह एक अलार्मिंग साइंस लगाई हुई है कि जो हाउस रूल्स हैं। तो ये एक हमारी स्ट्रैटेजी है जिसको मैंने
अपनी सक्सेस स्टोरी में नंबर फोर्थ पे रखा है. सो नंबर फिफ्थ स्टोरी इज वेरी वेरी इंटेलिजेंट. इतनी इंटेलिजेंटली क्राफ्टेड ये है कि आपके लिए, अब यूजुअली पेरेंट्स को इसका आइडिया नहीं होता, लेकिन जैसे कि मैं कहती हूँ कि हर चीज और आइडियाज इज जस्ट फिंगर टिप अवे, तो आप के लिए मैं बताने जा रही हूँ पॉजिटिव बिहेवियर चार्ट्स. इसके लिए पॉजिटिव इन्फोर्समेंट एक्टिविटीज के लिए बहुत सारी चार्ट्स पिंटरेस्ट पे मौजूद हैं, जिसके अंदर एक बिहेवियर मैनेजमेंट चार्ट, क्योंकि मैं अपने बच्चों के लिए जब यूज करती हूँ तो मैं उसको अपने हिसाब से कस्टमाइज कर लेती हूँ. लाइक इट्स अ चार्ट फॉर मंडे टू संडे, और मंडे टू संडे में उनकी डिफरेंट एक्टिविटीज को मैं क्राफ्ट करती हूँ, जैसे वोक अप अर्ली इन द मॉर्निंग और डिडंट शाउट और शोड अ फीलिंग ऑफ रिस्पेक्ट, शोड अ मॉरल वैल्यू ऑफ लर्निंग, ये करके शेयरिंग की, शाउट नहीं किया, पॉजिटिव बिहेवियर को डिस्प्ले किया. तो फॉर मंडे फॉर एवरी ऑफ ईच दिस लर्निंग एस्पेक्ट इस पे मैं टिक करती हूँ. तो बच्चे चूंकि आपस में जो है वो चाहते हैं कि हम ज्यादा टिक्स हासिल करें, एंड एंड ऑफ द वीक जिसके पास ज्यादा टिक्स होते हैं, अगर दो बच्चे हैं तो आप उन दोनों में कर सकती हैं, लेकिन अगर आपका एक ही बच्चा है तो आप ये टारगेट कर लेंगे, इतने टिक्स मिलेंगे तो आपको ये रिवॉर्ड मिलेगा, एंड जस्ट गिव हिम समथिंग फॉर गुड इन द एंड. तो स्मार्ट पेरेंट्स के लिए ये मेरा मैसेज है कि वो इन तमाम स्ट्रैटेजीज को अपनी डेली लाइफ का हिस्सा बनाएं, बिकॉज इफ यू डू सो बच्चे के बिहेवियर इश्यूज में एक बहुत रिमार्केबल रिडक्शन होगी. थैंक यू सो मच.